विधायक ने अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। अलीराजपुर जिले की जोबट भाजपा विधायक सुलोचना रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोबट पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों से अस्पताल की स्थिति जानी। कोविड की तीसरी लहर को लेकर डॉक्टरों को मुस्तैद रहने के साथ मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरतने की बात कही। बीएमओ विजय बघेल ने 100 लीटर कैपेसिटी के ऑक्सीजन प्लांट की जानकारी के साथ गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार की लक्ष्य योजना से मिलने वाली सुविधा की जानकारी भी विधायक सुलोचना रावत को दी। इस दौरान अस्पताल के कुछ मरीजों ने विधायक सुलोचना रावत को शौचालय में साफ सफाई न होने की बात कही, जिसके बाद विधायक श्रीमती रावत ने मरीजों के साथ जोबट की जनता को भी सुलभ कॉम्प्लेक्स का सुविधा लाभ दिलवाने का आश्वासन दिया। आज हमने निरीक्षण कराए हैं हॉस्पिटल अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जोबट में। सबसे पहले हमारे कलेक्टर साहब ने बोला था कि हमारा ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया। मैडम आप उसको देखे तो मैं इसलिए मैं देखने आ गई थी तो पूरा हॉस्पिटल का भी निरीक्षण करा। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये पहल है कि हमारे देश के कोई भी मरीज परेशान नहीं होए, पूरा बराबर उनको दवाइयाँ मिले, बराबर उनकी सुविधा मिले, सुलभ सुविधा मिले। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने निःशुल्क कोविड का टीका लगाने के लिए हमारे सभी भाइयों को उन्होंने आगे किया और अब हमारे आदिवासी भाई और सभी लोग टीका लगवा रहे आगे आके ने अपने। अच्छा, कुछ मरीजों ने अभी असुविधा का यही बोला कि मैंने पूरा हॉस्पिटल देखा है और उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे सुलभ शौचालय का अच्छा यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब को कि मैं जल्दी से जल्दी सुलभ शौचालय जो भी सुविधा दिलवाएंगे। अच्छा, ये समस्या नगर में भी आ रही है, नगर में ना तो बस स्टैंड पर किसी तरह की सुविधा। हम जल्दी से जल्दी इसको स्वीकृति करवाएंगे और नगर में भी सुलभ शौचालय का आदेश करवाएंगे और बनवाएंगे नया। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।